लड़कों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ भेजकर कहीं और ही अपना खेल खेलने में लग गए होंगे। देख लेना राधा, उन्हें याद भी नहीं होगी हमारी। कृष्ण राधा को कभी नहीं भूल सकता। लो आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? पहले तो इन्हें नहीं देखा। परम जगम, ये है हमारी बाकी की टोली। ये जो गुस्से में खड़ी है ना, वो विमला है। वो चुपचाप और सीधी सी लड़की है मनिया, और ये मोटी है कमला। ये है राधा। कान्हा, हम सबको कोई ना कोई उपमा दे दी, पर राधा को कुछ नहीं कहा तुमने, क्यों भला? राधा के लायक तो कोई उपमा है ही नहीं मेरे पास। पर ये दोनों कौन हैं? ये हमारे नए मित्र। ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। तो अगर तुमने फिर कभी तंग किया तो मैं सारे के सारे तुम पर छोड़ दूंगा, समझी? जा जा, मैं नहीं डरती सांप वांप से। अच्छा अब लड़ना बंद करो और ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। हाँ, कबड्डी ही खेलेंगे और इस उधव को खींच खींच कर पकड़ेंगे। काना और दाऊ आमने सामने होंगे। सबसे पहले मैं अपने नए मित्र जगम को चुनूंगा। तो मैं चुनता हूँ परम को। विमला, उधो, माधो, राधा। माधो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। बहुत बढ़िया माधव, अब तुम्हारी बारी कान्हा। हमारी तरफ से परम आएगा। परम। कबड्डी 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 कबड्डी। देखा, इसे कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो तुम जाओ। रहने दो कान्हा, हम ऐसे ही हार मान लेते हैं, ये दोनों मुझे मार ही डालेंगी। जाओ उधो, यही अवसर है।
तुम अपने सारे अपमानों का बदला ले सकते हो। इन दो गोपियों को तो तुम बड़ी सरलता से हरा सकते हो। जाओ मेरे शेर जाओ, विजयी होकर आना। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चुप करो धो, खेल खत्म हो गया। अब तुम मुझे उठाकर बाग तक ले जाओगे और वहाँ से खूब सारे फल तोड़कर खिलाओगे। पर तुमने तो मेरी कमर पहले ही तोड़ दी। तुम्हें उठाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो तुम्हें किसने रोका है मरने से? बस मुझे बाग तक ले चलो। अरे नहीं। अरे हाँ। अरे राधे, इस तरह डगमगा कर चलोगी तो तुम्हारे सर से हंडी फिसल जाएगी। ये तुम रख लो, सीधा चलने में सहारा देगी। पर तुम सब ये लकड़ियाँ भला क्यों चुन रहे हो? यूं ही कैसे? अगर तुम सब अपने खेल छोड़कर यहाँ लकड़ी जमा कर रहे हो तो उसका कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण तो अवश्य है, पर हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम हमें वो माखन दे दो तो बता भी सकते हैं। माखन खाकर तुम मुकर गए तो पहले बताओ फिर माखन देंगे। पहले माखन। चल रहे अमला। कान्हा, कुछ तो उपाय कर। बलदाऊ, आपने कहा और उपाय हो गया। अरे राधा, आमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो, राधे, राधा। घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ, तुमने माखन कैसे खाया? तुमने फिर माखन चुराया? Ha 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 ha
हम लड़कों में कितनी ताकत होती है। तुम लड़कों में नहीं, सिर्फ हमारे दाऊ में ही इतनी ताकत है, समझे? तुम खुद पर इतना मत इतराओ। अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। पहले खाने का प्रबंध करते हैं, फिर आपस में लड़ लेना। हाँ, भूख तो लगी है, पर अब खाना कहाँ से लाएंगे? अरे कान्हा, बलदाऊ, उधो, राधा, सब जल्दी आओ, देखो वहाँ। हे राम, कितनी बड़ी सेना है। पर भला इतनी बड़ी सेना हमारे वृंदावन के पास क्या कर रही है? क्या कर रही है? हम पर हमले की तैयारी कर रही है। अरे चुप माधो, जरा जरा सी बात पर डर जाता है। ये सेना तो अभी भोजन की तैयारी कर रही है। क्या? हाँ, वो देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है, रसोई पक रही है। हो सकता है कि कुछ पकवान हमारे पसंद के भी हों। क्यों, चलो दाऊ, चलकर देखते हैं। जाओ, ये पत्र महाराज तक पहुंचा दो। जो आज्ञा सेनापति जी। तुम जाओ, हम कुछ देर विश्राम करेंगे, भोजन तैयार हो जाए तो हमें जगा देना। बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। खुशबू भी अच्छी आ रही है, सब खुश हो जाएंगे खाना खाकर। कोई आए इससे पहले हमें ये खाना ले जाना है, चलो जल्दी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हालत उस खाना बनाने वाले मोटे जैसी होगी। अच्छा ये बात है, माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण के रक्षक, तो ले। हाँ।
कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई, जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? उधो, कान्हा को हराना है तो बलदाव से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाव, बलदाव, सुनिए। अरे, मूरख हैं ये दोनों तो, और नहीं तो क्या? बलदाव कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे, वो तो हमारे हाथ पे ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगाओ और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। अरे कमला, मनिया, अमला, सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ, यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग दो टोलियां बना लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा? कृष्ण, क्यों इन बच्चों के साथ ठठोली कर रहे हो? बलदाव, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे खेल रहे हो। सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो। चलो कान्हा, घर चलो, देखो सूरज सर पर चढ़ाया है, मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हों, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बलदाव, चलो ना, मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो, तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बलदाव। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए।
चलो इन फलों से गेम खेलते हैं। तुम दोनों की निपुणता तो हम सब भली भांति जानते हैं। ऐसे तो हम सदैव हारते ही जाएंगे। हाँ, तुम दोनों आंखें बंद करके खेलो तब जानी। कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाऊ से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ, वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतु काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतु पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। काना, तुम्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे। बलदाऊ जल्दी कीजिए, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। द्वार पर खड़े होकर उधम मचा रहे हो, यहाँ आकर हमारी सहायता नहीं कर सकते? माँ, कान्हा छोटा होने का बहुत लाभ उठाता है। इसे सबसे अधिक लाड़ भी तो तुम ही करते हो बलराम। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सारी व्यवस्था ठीक से हो रही है या नहीं। ये लो व्यवस्थापक जी, मैंने आपके लिए ढेर सारा माखन, खीर और छाछ रख दिया है। अब जल्दी चलिए बलदाऊ, नहीं तो हमारा वन विहार घर पर ही हो जाएगा। कमला, हिलो मत। क्या हुआ माधो? वो वहाँ ऊपर, तुम्हारे ऊपर उस वृक्ष पर एक विशाल सर्प है। सर्प? सर्प मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे पीछे है। सर्प, सर्प, बचाओ, बचाओ! काना, जल्दी करो, नहीं तो बुआ आ जाएंगी।
यहाँ हो तुम सब, कभी नहीं सुधरोगे। ठहर जाओ, अभी दिखाती हूँ। भागो। ठहर, रुको। अरे भागते कहाँ हो, रुको। अब कहाँ जाएगा, हाँ? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ, दोबारा अवश्य आऊंगा। अरे मेरे लिए रुको तो सही। जल्दी जाओ तो और गेंद ढूंढ लो, वरना कोई जानवर कहीं उसे फल समझकर चबा न जाए। उधो की आवाज है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? कितना मोटा भारी असुर है। कान्हा, मुझे यहाँ से निकालो। अरे